तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, जैसे आप लोग को पता होगा, अभी हम लोग कुछ दिनों से थोड़ा हमारे चैनल पर एक्टिव नहीं रह पा रहे, यानी यही मतलब कुछ 3-4 दिन से। एक्चुअली मेरी तबीयत भी नहीं सही थी इस वजह से, और प्लस बारिश, कहीं हम जा रहे नहीं, और अब्बा भी थोड़ा काम पे थे, उनको भी आने लेट, और मेरी ही खुद की 3-4 दिन से इतनी तबीयत खराब थी, मतलब खांसी हो गई थी। तो बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अब मैं थोड़ी अच्छी हूँ और अच्छी हो जाऊँगी। मौसम की वजह से बस थोड़ा तबीयत नरम गरम चल रहा है। सो बस चले, हमारी मॉर्निंग वगैरह हो गई है, और मेरी अम्मी का पार्सल आया था, कल ही आया था। अम्मी ने क्या मंगाया था तो मैं भी आप लोग को बताऊँगी। तो कल पार्सल आया था, कल बनाने वीडियो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि इतना हमारे इधर मतलब मचान चालू था गली में, यहाँ वहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी कल, तो इसलिए कल हमने तो ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो कल ड्रेस आ चुका था, तो अम्मी बोले चलो मैं आज बता देती हूँ, और अम्मी वो ड्रेस पहनने वाले बकरीद में। तो अभी तक हमने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, तो अभी हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि अम्मी ने क्या मंगाए, और यहाँ पे बैठे हैं अम्मी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गए सजल फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे गाइस आप लोग? तो चलिए देखिए, मैं जैसा कि हम आप लोगों देखिए, जैसा कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक ड्रेस ऑर्डर की हूँ, ड्रेस हमारा कल ही आ गया था, हम लोग ने कुछ कर ही नहीं पाया। मैं अम्मी को बोल रही थी ऊपर लो ऊपर, क्योंकि मेरे को थंबनेल पर डालने के लिए स्क्रीनशॉट लगेगा ना, तो मैं इसलिए उनको इशारा कर रही ऊपर करो। यस हाँ, बस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे कॉटन की ड्रेस ही लेती हूँ, दुपट्टे बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने ऐसा ही मंगा ली। ईद रमजान ईद में जैसे मंगाए थे ना, वैसे टाइप वैसे ही मैंने बकरीद में भी मंगाई थी। चलो खोलो खोलो, कल से पड़ा हुआ है, कैसा होगा कैसा नहीं क्या पता। तू क्या कर रहा है इसको? देखो भैया पूरा लाल लाल हो जाएगा। हाँ, अमित ने गाइस जो ईद में ड्रेस मंगाए थे ना तीनों, मतलब जो भी था, उन्होंने सब घर में पहनने ही निकाल लिए ना। अम्मी डेली वेयर के लिए पहन रही। खोलो, प्यारा लगा था ये, सही है यार। खोलो अच्छे से, पूरा खोलो, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। यस, वेरी प्रीटी प्रीटी प्रीटी, मस्त हल्का फुल्का वाइट है। यस, पैंट देखो मस्त है गाइस, क्या चाहिए अपने को 750 में, और क्या ही मिलेगा। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है 764 का, 760 वही 750 ही, मतलब पकड़ लो, क्योंकि हम कच्चा कपड़ा लेके आते हैं, इसकी सिलाई देते हैं, सिलाई भी कितना लेते हैं, 500 रुपये तक सिलाई लेते हैं, 500 रुपये सिलाई का है ही, तो उसका अच्छा मैं रेडीमेड ही मंगा लूँ। यस, और कितना अच्छा आया है इसको, खाली जो भी रहेगा ना इसको डबल डबल सिलाई कर देने का, और ऐसे ही पहन लेने का पैंट। और मेरे को तो मतलब ट्रिपल एक्सल आता है अम्मी को, पैंट मस्त लग रही है, अच्छा ही आता है। यस देखिए, प्यारा लग रहा है अम्मी, बहुत अच्छा है, एकदम मस्त कॉटन, अच्छा फैब्रिक भी मस्त है इसका, एकदम दुपट्टा कॉटन का। दुपट्टे आप लोगों को पता है, मैं दुपट्टे की वजह से ही मैं कपड़ा मंगाती हूं, पहले मैं दुपट्टा ही देखती हूं कैसा है क्या है, मतलब भर भर के, मतलब अम्मी कैसे ना सर पे रहना चाहिए कॉटन का, तब अम्मी ऐसे मंगाती है। हाँ मस्त, अच्छा लग रहा है, प्यारा है ना, मस्त लग रहा है, अच्छा आया यार, मस्त है। सही है, तो अम्मी पहनने वाले हैं यही ड्रेस बकरीद में। रमजान में भी देखी थी, लेकिन मैंने ये बाद में ऑर्डर मैं अम्मी को बोली ये मत मंगाओ, ये फिर कभी मंगा लेना। पहले भी रमजान में देखी थी, लेकिन मैंने उसका ऑर्डर नहीं की थी, फिर बाद में मुस्कान को जो पसंद आया था रमजान में, पिंक वाला ना, पिंक वाला, हाँ वो वाला ड्रेस ले ली थी। यस, तो मैंने आखिर वो ड्रेस आखिर मैंने आज मंगाई थी। हाँ, मेरे अम्मी को बोली की अम्मी ये रहने दो, वो मुझे जो अम्मी ने रमजान ईद में पहने थे, आप लोगों को पता होगा पिंक वाला, तो मैंने अम्मी को बोली कि वो पहनो, क्योंकि कैसे ना वो रमजान ईद के जैसा था भी पहनने जैसा, और ये थोड़ा सिंपल है, तो मेरे लिए तुम बकरीद में पहन लेना, है ना, वैसे भी अगर बारिश हो गई तो फिर कहीं तो जाने मिलने से रहा। हाँ, घर में पहनने के लिए वही तो बोल रही, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा आया, सही अम्मी ऐसी मंगा लेने का। यस, मजे से पहनी है। यस, और कमेंट करके बताना गाइस अम्मी का ड्रेस मेरी कैसा लग रहा है, जरूर बताइए आप लोग, कैसा लगा, मस्त बताना। हाँ मस्त लग रहा है, अभी अब्बा ने भी नहीं देखे अभी तक के, क्योंकि हम लोग ने अभी उसके अनबॉक्स, मतलब अभी हम लोगों ने उसकी पैकिंग खोले, लेकिन हमारे झगड़े वगैरह बहुत मचान चालू था कल से, तो हम लोगों ने ब्लॉगिंग शूट किए थे रात के, हम लोग
बारह बजे खाना खाए। हाँ, तो इसके वजह से हम लोग को छुट्टी नहीं करवाए, जैसे अभी हम लोग ने खोले। यस, मैं वही बोल रही हूँ ना गाइस, हम लोग मतलब ऐसा हो गया ना, हम हमारे चैनल पे अभी थोड़ा सा ये कुछ दिनों में मतलब हम ऐसे इतना डिस्टर्ब हो गए कि हम हमारे चैनल को देख ही नहीं रहे, ना कुछ ऐसा व्लॉग करने का मन कर रहा है, क्योंकि मतलब इतना प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है। तो बट नहीं, अब से इंशाल्लाह हम एक्टिव रह गए हैं ना अम्मी, अभी कितना आप उन्हें छोड़ दिए, और ना माशाल्लाह हमारा चैनल इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे से अभी चल रहा था, इंशाल्लाह अभी और चलेगा आगे भी। और हमारे कैट्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गाइस। सो देखिए, ये रहे हमारे कैट्स, ये हमारी कोको, हमारे स्कूबी, दूध पी रहा है, अभी सो रहे, इतना मस्ती करने लग गए, इतना मस्ती करने लग गए, बहुत सताते, बहुत परेशान करते, अभी तो सो रहे। और ये उन लोगों को जीने नहीं देता, दिखा ऊपर देख भाई, अबे तू तो कितना हीरो दिख रहा है वे, अरे अरे लाल लाल अनार बना हुआ है एकदम, अनार अनार अनार, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, मैरी के घर पे जा रहा, मैरी के घर पे जा रहा, मैरी क्या कर रही है, तो मैरी ऊपर है, मैरी खाना बना रही है। अम्मी तुम क्या बनाएगी अभी, मैंने बनाई थी दाल चावल, यस, तो दाल चावल रखा हुआ है। तो अभी कुछ बनाने वाले क्या, जैसा भी है भुर्जी, अंडे की, अंडे की भुर्जी बनाऊंगी, या तो भिंडी लेके भाजी बनाऊंगी, सही है, चलो चल के देखते हैं मैरी क्या बना रही। मैरी I am coming. देखते हैं मैरी क्या बना रही है गाइस, क्या बना रही है, बघार वगैरह के हो गए अभी, बघार के हो गए, पुच्ची मिर्ची फ्राई करने, क्या बन रहा है ये, दाल, दाल, हाँ वो मसाले वाली, अच्छा मसाले वाली, वही तो मिली सादी दाल में, इतना मतलब दिख ही नहीं रहा था सादी दाल, तो यहाँ सादी दाल बना रही है मैरी। और कौन सी मिर्ची फ्राई करने का, देखो मोटी मोटी, और यहाँ पे मोबाइल पिक्चर चालू है, और ये इनका चार खाई नहीं बनेगा, और बनेगा, अरे क्या है ये, आमड़ा, आम अभी मतलब ये प्रॉपर बना नहीं है, वो अभी बनेगा। तो मैरी का भी यहाँ खाना बन रहा है, तो अभी चले जाते नीचे, देखते हैं मम्मी का बना रहे, फटाफट खाना बना अपने का भी, थोड़ा टाटा में जाने का बाहर, थोड़ा मुझे कुछ काम है, मेरे को टाटा में जाने का है, तो फटाफट काम कर ले चलते। यहाँ पे देखो लोग की कैट फाइट शुरू हो गई है, कैसे लड़ाई करते एक दूसरे को, इतना काटते रहते, और इसको भी कुकात, अम्मा मम्मा क्यों काट रहे, कैट फाइट शुरू हो गई लोग की, है ना, अच्छा लगता था इन लोग को देखना, कभी काट रहे, कभी ये पकड़ रहे, है ना, पैर पकड़ रहे, ना बहुत मस्ती करने, देखा ये ना बहुत है, ये बहुत ज्यादा नखरे करता है, स्कूबी नहीं इसको पूरा लिटा देता है, स्वान कितना जोर से काट रहा है, देख तू भी ऐसी तेरे भाई को काटती है, नहीं वहाँ पर अबा भी आ चुके, अबा 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 देख रहे ही नहीं है। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, नहीं आदाब, हाँ, और वालेकुम अस्सलाम, मुबारक, अरे अभी बाकी है और थोड़ा कुछ दिन बाकी है, और अभी ईद नहीं हुई, अभी बाकी है। तो अभी अब्बा जस्ट काम पर से आए है, और वहाँ पे आज माहिर बना है अनार का दाना, लाल लाल कपड़ा पहन के बना है अनार का दाना, अनार का दाना दिख रहा है ना रे मेरे एकदम, क्या है चिल्ला रहे था, क्या हुआ, क्या बोला, ऊपर का छिलका अनार का, इसीलिए तो मैंने बराबर बोली ना, अनार का दाना दिख रहा है एकदम बराबर। तो और अब्बा कैसे, तो बजे में तुम भी अनार हो, तुम भी तो लाल लाल रंग पहने हो, आ तो मैंने नीचे प्लाजो काला पहनी है ना, तो अभी जस्ट अब्बा काम पर से आए हैं, फ्रेश होके खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए सब गॉसिप करते हैं बाहर कुछ काम से, और मैंने देखी यहाँ पर मेरे अब्बा क्या कर रहे, अब्बा आती है क्या, या सिर्फ ऐसे ही चलाने जा रहे, अब्बा अब्बा ठोक देंगे तो, गए 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 गए, आती है यार मेरे अब्बा को, मुझे पता है कि इतना स्कूटी आती है, बाइक चला रहे थे चले गए, मुझे भी एक राउंड, अरे वो चले गए, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, मैं हम लोग जा रहे थे थोड़ा काम से बाहर, तो हम टाटा में निकले मैं और मेरी, तो यही थे, यही रोड पे ही सामने ही थे, अब्बा अब्बा आओ, हो गया, वो हमारे शाहरुख भाई है ना, मतलब उनकी ट्राई कर रहे थे बाइक, आता है यार चलाने मेरे अब्बा को, आता है आता है, चलो जा रही मैं, चलो आता है रे मेरे अब्बा को चलाने, मुझे लगा कि नहीं आता उनको चलाने, बट यस आता है उनको चलाने, हाँ पूरा सोमसा में रोड, मस्त ठंडा लग रहा है, ठंडा गर्म दोनों लग रहा है ना,
कैसा लग रहा है तुझे, ठंडा गरम क्या लग रहा है? मुझे दोनों लग रहा है, गरम लग रहा है अभी, गरम लग रहा है। जब निकले वहाँ से तो कैसे मिट्टी के लाइक ठंडी ठंडी हवा मारी, बड़ा गरम हो रहा है। से चले चलते हैं मस्त। मेरी अम्मी यहीं पे रात में वॉकिंग करने के लिए आते हैं, यही टाटा कंपाउंड में वॉकिंग करने आते हैं। और ये है हमारी स्कूल, ये बिल्डोजर के पीछे मैं दिखाती हूँ, बहुत टाइम मैंने दिखा चुकी हूँ, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें फिर भी एक बार। सो ये है हमारी स्कूल टाटा कंपाउंड। यस, ये रहा। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर पर और अभी मैं जा रही हूँ कुचुम्बर काटने के लिए। चार कांदे ले लिए, एक टमाटर और हरी मिर्ची, क्योंकि मेरे अब्बा को खाना है कुचुम्बर, क्योंकि उनको दाल चावल के साथ कुचुम्बर अच्छा लगता है। तो अभी मैं उसको काटूंगी, सादा वाला है, मतलब वो बिना दही वाला बनाऊंगी, यानी काटूंगी। तो मैं जा रही कुचुम्बर काटने के लिए, एंड खाना तो हमारे अम्मी ने बोले तो फिर मैं दाल चावल बना था। ए बनी 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 बनी, ऊपर गई ऊपर गई, मायरा ऊपर गई ना, तो मायरा के पीछे चढ़ गई। बहुत सताते गाइस लोग, जैसे जैसे मतलब बड़े हो रहे हैं ना लोग, अभी तो लोग सोए बट उन लोग साथ उसकी माँ परेशान करती है हम लोगों को, तो लोगों को कैसे शांत करा ये जरा क्या करे, मुझे कॉमेंट करके आप लोग बताओ। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया, खाना पीना खा लिया, अभी बस जा रहे हैं सोने के लिए। और गाइस 12 बज चुके हैं और मेरी मम्मी का आज है बर्थडे। क्या हुआ गाइस, हमारी ये जो कोको है ना, मेरे अब्बा की चड्डी में घुस गई, छोटी वाली बिल्ली स्वान के गोदी में, सही मेरे अब्बा की चड्डी में घुस गई। तो मैं ये बोल रही थी कि यस गाइस, जैसे कि 12 बज गए और अभी तक आप लोगों ने देखे रहोगे, मैं लाइव आई थी तो उसमें आप लोगों ने पूरा लाइव, जिन्होंने देखा रहोगे उनको पता होगा, मैं हम लोग अम्मी का बर्थडे भूल गए थे, और वैसे भी अम्मी थे नहीं, अम्मी गए थे बाहर वॉक करने के लिए। तो 12 बजे 15 जून लग चुका है, तो हैप्पी बर्थडे अम्मी, थैंक यू। आप लोग भी कमेंट में विश करो, इंशाल्लाह भी देखते हैं कल का क्या प्लान है क्या नहीं प्लान है, जो भी है कल के व्लॉग में आप लोग को पता चलेगा। सो अभी बस जाएगी सोएगी, और मेरा गले भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर से मैं बात कर रही थी। सो चलिए इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और हमारी कैट्स का जो नया घर जैसे थोड़ा बहुत सेटअप हुआ है, मैं कल के व्लॉग में वो भी दिखा दूंगी। सो चलिए इसी के साथ व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.